एवरीबडी, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। सो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, आज की क्लास में हम बात करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के ऊपर। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। इस पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी फ्रेम होती हैं। आप चाहे बोर्ड एग्जाम ले लो, जेई मेन ले लो, चाहे जेई एडवांस ले लो, सो काफ़ी अच्छे लेवल की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के ऊपर। ठीक है, सो लेट स्टार्ट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं नोटेशन की। जैसे कि मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ओके, और इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है dy वाई बाई डी एक्स। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सो dy वाई बाई डी एक्स आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसकी अदर नोटेशंस की बात करें तो हमने देखा था कि d ऑफ f या फिर d ऑफ y भी बोलते हैं इसको, ठीक है, या फिर इसको हम एफ डैश एक्स से डिनोट करते हैं, सिंगल डैश है तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, या फिर इसको वाई वन से हम डिनोट करेंगे, ये भी एक तरह से आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बताता है। ठीक है, अब इसी को अगर मैं दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, एक बार दोबारा अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद जो नेक्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा दैट विल बी योर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। उसका नोटेशन को ध्यान रखना, वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये ध्यान रखना कि विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो ये जो बन जाएगा, दिस विल बिकम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसका यहां पे स्क्वायर आएगा, और यहां पे डी स्क्वायर और ये डी एक्स स्क्वायर है। ये नोटेशन को ध्यान में रखो। सिमिलरली यहां पे बात करें तो ये आपका यहां पे कुछ लगा नहीं है तो ये वन है बेसिकली यहां पे, अदरवाइज ये आपका आ जाएगा डी टू वाई। और यहां पे डेरिवेट की बात करूं तो ये एफ डबल डैश एक्स और ये नोटेशन आ जाएगी वाई टू। ठीक है, फर्दर अगर मैं इसको तीसरी बार डिफ्रेंशिएट करता हूं तो वो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा। उसमें ये आ जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। यहां पे भी क्यूब टू की जगह आपका थ्री आ जाएगा, थर्ड ऑर्डर पे जा रहे हैं। सिमिलरली डैश तीन हो जाएंगे थर्ड ऑर्डर में और यहां पे वाई थ्री आ जाएगा। ठीक है, सो ये नोटेशंस है हमारी जनरल नोटेशंस, ये हमने ऑलरेडी देख रखी हैं, इसमें कुछ ज्यादा बात करने वाली नहीं है। ठीक है, और वैसे बात करें तो कुछ खास नहीं है, फंक्शन दे रखा है, इसको मैं दोबारा बार बार डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, सक्सेसिवली डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं तो हमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स मिल रहे हैं। ठीक है, सो चलो हम डायरेक्टली अब प्रॉब्लम्स पे जाएंगे बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ओके, सो जैसे कि मैंने बोला, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हर टॉपिक पे मतलब हर लेवल पे फ्रेम होती हैं। बोर्ड एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इसके ऊपर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ पे जो मैं पहली प्रॉब्लम ले रहा हूँ दैट इज़ बेस्ड ऑन बोर्ड लेवल, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है प्रूव करने के लिए ये आपको आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। देखो ध्यान से, ये कह रहा है इफ़ वाई इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन एक्स then prove that y2 यानी कि second order derivative plus tan x into y1 plus cos square x into y equals to 0। ठीक है, so ये जो पहली problem हमारी, देखो ध्यान से, फंक्शन दे रखा है आपको, यहां से ये जो रिलेशन है आपका एक इक्वेशन बन के आई है y2 y1 और y और बाकी x के जो फंक्शंस है tan और cos, इसमें ये रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, सो ऑब्वियसली दो बार मुझे डिफ्रेंशिएट करना होगा, y2 इन्वॉल्व है तो सबसे पहले y1 पे जाते हैं तो इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, फर्स्ट टाइम फर्स्ट डेरिवेटिव तो ये y1 या फिर dy by dx, सो ये बन जाएगा साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ अंदर कितना साइन x इंटू साइन का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से तो थोड़ा सा आपको करना ही पड़ेगा, यहां पे अगर मैं दोबारा करता हूं यहां पे वाई टू आ जाएगा पर यहां पे चेन रूल लग जाएगा। आप देखो कि साइन ऑफ साइन एक्स या कॉस ऑफ कॉस एक्स आपका एक्सप्रेशन में कहीं नहीं है, बेसिकली साइन ऑफ साइन एक्स देखा जाए तो वाई ही है, इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा साइन ऑफ साइन एक्स तो मिल जाएगा बट ये यहां पे कॉस भी है, प्रोडक्ट रूल में कॉस ऑफ कॉस एक्स बचा रह जाएगा, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं कॉस को इधर लेके आता हूं। ठीक है, सो कॉस को इधर लेके आता हूं यानी कि ये कॉस से डिवाइड करता हूं तो ये क्या बन जाएगा सेकंड एक्स इंटू वाई वन इक्वल्स टू
कॉस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। ऐसा करने का मेरा फायदा क्या हुआ कि ये कॉस ऑफ साइन एक्स मेरा अब नहीं बचेगा, क्योंकि ये तो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, और साइन ऑफ साइन एक्स तो फिर वो वाई है, तो वो मेरा मुझे कहीं नजर भी नहीं आ रहा है, तो अदरवाइज प्रोडक्ट रूल में ये एक जगह पे बच जाता, तो ये इसलिए मैंने किया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, देखो यहां पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड एक्स टेन एक्स इंटू वाई वन प्लस ये आ जाएगा सेकंड एक्स इंटू वाई वन को जब दोबारा डिफ्रेंशिएट किया तो वो वाई टू बन गया, ठीक है। पहले सेकंड एक्स का डेरिवेटिव इंटू वाई वन प्लस सेकंड एक्स इंटू वाई वन को डिफ्रेंशिएट किया तो वाई वन का डेरिवेटिव वाई टू, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। राइट हैंड साइड पे देखो ध्यान से, इसका डेरिवेटिव माइनस कॉस का डेरिवेटिव माइनस दैट इज साइन ऑफ साइन एक्स इंटू अगेन एक बार साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स आएगा चेन रूल के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब देखो ये क्या चीज है, दिस इज नथिंग बट योर वाई, ये वाई है, ठीक है। सो बाकी ये जो है सेकंड एक्स या फिर वन अपॉन कॉस एक्स, कॉस एक्स एक मल्टीप्लाई करना है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो ध्यान से, एक तो इसको इधर लेके आ जाऊंगा और दूसरा कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो कॉस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो कॉस इंटू सेकंड क्या बन गया, कट गया, तो यहां पे बच गया वाई टू प्लस ये सेकंड कट गया कॉस से, क्या बच गया टेन एक्स इंटू वाई वन, और ये तो y है ही, एक cos से मल्टीप्लाई करो तो cos का स्क्वायर हो गया लेफ्ट हैंड साइड आके, प्लस का भी हो गया, तो क्या बच गया ये cos स्क्वायर x इंटू y इक्वल्स टू जीरो, रिक्वायर्ड रिजल्ट जो हमें प्रूव करना था, ठीक है। देखो मैंने ये यहां पे क्या किया, एक दो तीन चार, चार स्टेप में कर दिया, ठीक है। ऑल दो जब आपको बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप कोशिश करो कि स्टेप बढ़ाओ, डिपेंड करता है कितने नंबर का क्वेश्चन है, तो फोर मार्क्स का तो मेरे ख्याल से फोर स्टेप्स इनफ है, अगर कुछ से ज़्यादा का आता है, वैसे भी सजेशन तो यही है कि आप थोड़ा एक आधा स्टेप बढ़ा दो, जैसे मैंने बोला कि आप एक कॉस से डिवाइड कर रहे हैं उसको एलसीएम लेके इधर उधर, तो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि इतना मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ही बहुत समझदार हैं इसको लेके। चलो सो वेरी सिंपल प्रॉब्लम बोर्ड लेवल की, बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसमें हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब कि y2 तक जाना पड़ा, ठीक है। आपको y3 तक भी जाना पड़ सकता है, डिपेंड करता है प्रॉब्लम पे। चलो नोट करो, हम और बहुत सारी प्रॉब्लम्स करने वाले हैं आज। ओके सो देखो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम सिमिलर प्रॉब्लम है, इफ y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर, प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये रिलेशन आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे और यहाँ पे, ये चीज़ें आ रही हैं। कहाँ से आई हैं ऑब्वियसली आपको अभी पता चल जाएगा। चलो हमें पता है कि हमें दो बार तो डिफ्रेंशिएट करना ही है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से। तो वो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे आपका ये बन जाएगा टू टाइम्स टेन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कितना वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ये। चलिए अब आगे क्या, अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करूँगा। अगर इसको ऐसे ही कर दूंगा तो आप देखो ये तो एक तो टेन इनवर्स ऑफ एक्स का पता नहीं क्या होगा, क्योंकि वो मेरे को जो रिलेशन प्रूव कर रहा है उसमें तो कहीं है नहीं है। तो कुछ अगर आपको दिमाग लगाना है तो वो लगा के देखो कैसे बन सकता है। एक तो यहाँ पे ये इसका स्क्वायर नज़र आ रहा है, ठीक है। सो क्यों ना मैं यहीं पे इसकी स्क्वायरिंग कर दूँ, क्या कर दूँ स्क्वायरिंग कर दूँ, या फिर इसको इधर लेके आके एक बार स्क्वायरिंग कर देता हूँ। तो इसको इधर लेके आके एक बार स्क्वायरिंग करता हूँ तो ये क्या बनेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, देन मल्टीप्लीकेशन में आई है डी वाई बाय डी एक्स, इसका स्क्वायर हो जाएगा राइट हैंड साइड पे टू का स्क्वायर फोर, और टेन इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर, क्या टेन इनवर्स एक्स का स्क्वायर वो तो वाई है, तो ये और कुछ नहीं है आपका फोर इंटू वाई है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, ठीक है। आप देखो आगे बहुत सारी चीज़ें आपको जो सिमिलर चाहिए वो दिख गई होंगी और वो बनेगी। यहाँ पे ध्यान से प्रोडक्ट रूल लगाओ, पहले ये है आपका, तो ये बनेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर का
होल स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन में ये है स्क्वायर है, स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये बनेगा 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अभी तक सिर्फ स्क्वायर वाली टर्म डिफ्रेंशिएट हुई है, अब चेन रूल के अकॉर्डिंगली अंदर वाली टर्म डिफ्रेंशिएट होगी। जब ये डिफ्रेंशिएट होगा, ये y1 है तो y1 डिफ्रेंशिएट होगा तो y2 बनेगा, यानी कि यहां पे आएगा डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, अब इसको रखते हैं, यानी कि डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसका डेरिवेटिव अगेन पहले स्क्वायर है तो ये बनेगा 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव 2x, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोडक्ट रूल लगा, राइट हैंड साइड पे 4 इंटू वाई, यानी कि 4 इंटू वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखो बहुत सारी चीजें कैंसिल हो रही हैं, डी वाई बाई डी एक्स एक यहां पे दो है तो एक कट जाएगा, एक यहां से ये कटा और एक ये टू, ये वाला टू और यहां से टू, ठीक है। बचा देखो क्या हमारे पास, वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में ये, विच इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक ये बचा दो थे एक कट गया था, डी वाई बाई डी एक्स राइट हैंड साइड पे टू। यही चीज थी जो हमें प्रूफ करनी थी या फिर ये रिलेशन एस्टेब्लिश करना था, हमारा हो चुका है, ठीक है। सो जो मैं कर रहा हूँ मेरी प्रैक्टिस हो रखी है अच्छे से, इसलिए मेरे को थोड़ा सा जैसे दिख जाता है कि मेरे को आगे यहाँ पे ये प्रॉब्लम आने वाली है, इसको मैं इधर ले जाता हूँ और स्क्वेयरिंग भी कर लेता हूँ, ये स्क्वेयरिंग करके वाई बन जाएगा तो वाई में आ जाएगा, क्योंकि टेन इनवर्स ऑफ एक्स तो पूरे यहाँ पे कहीं है ही नहीं, क्लियर। सो ये जो चीज़ें हैं ऑब्वियसली आपके साथ भी प्रैक्टिस के साथ ही आपको मिलेंगी, अच्छी होंगी। सो डोंट वरी, धीरे धीरे क्वेश्चन करते जाएंगे, आपकी भी प्रैक्टिस होती जाएगी, मेरी भी और होती जाएगी, सो हम सब लोग सीखते जाएंगे। नोट करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। हाँ जी देखो बेटा, थर्ड एग्जांपल हमारा वही है, y इज इक्वल टू a cos ऑफ ln x प्लस b sin ऑफ ln x। यू नीड टू प्रूव दैट x स्क्वायर y3 थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया यहाँ पे, 3xy2 प्लस 2y1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो सिमिलर सीबीएसई लेवल की प्रॉब्लम है, आपको बस थर्ड ऑर्डर तक आपको डिफ्रेंशिएट करना है, कोई टेंशन नहीं है, आप करो जरा एक बार, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो मेरे को क्या मिलता है, y इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस का a cos का साइन ऑफ ln x इंटू ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस b साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ ln x अगेन ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, ठीक है। अब साफ दिख रहा है, इतना तो हम सीखे गए हैं कि ये 1x जो डिनोमिनेटर में, इसको यहाँ रखने का फायदा नहीं, इसको यहाँ ले आते हैं। सो इसको यहाँ लेके आते हैं तो ये बन गया x इंटू वाई वन, ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट हो चुका है, x इंटू वाई वन इक्वल्स टू माइनस a साइन ऑफ ln x प्लस b इंटू कॉस ऑफ ln x, ठीक है। चलो एक बार दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट टू लगेगा, सो ये बन जाएगा x इंटू वाई टू प्लस वाई वन इंटू एक्स का डेरिवेटिव वन, राइट हैंड साइड पे ये आ जाएगा माइनस ए साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ ln ऑफ x इंटू ln x का डेरिवेटिव वन बाय x, ये वापस माइनस b साइन ऑफ ln ऑफ x अपॉन x, अगेन दोबारा x को इधर लेके आ जाओ तो ये क्या बन गया, x स्क्वायर y2 प्लस x इंटू वाई वन इक्वल्स टू, ये जो है माइनस कॉमन लो तो देखो क्या बना, a इंटू कॉस ऑफ ln ऑफ x प्लस b इंटू साइन ऑफ ln ऑफ x,
देखो ये क्या है, ये और कुछ नहीं है आपका वाई है। सो ये आपका राइट हैंड साइड पे माइनस का वाई बच गया। बस थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट करो, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा तुम्हें। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई थ्री प्लस टू एक्स इंटू वाई टू प्लस यहाँ पे एक्स इंटू वाई टू प्लस वाई वन इंटू वन, राइट हैंड साइड पे माइनस का वाई वन। ठीक है, देखो हो चुका हमारा एक्स स्क्वायर वाई थ्री, टू एक्स प्लस एक्स यानी कि थ्री एक्स वाई टू, एंड ये वाई वन इधर आएगा, वाई वन प्लस वाई वन टू वाई वन। ठीक है, तो जो हमें चाहिए था प्रूव करने के लिए वो हमारा मिल चुका है। ठीक है, सो अनदर सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बोर्ड एग्जाम, आप होप कि आपने फॉलो किया होगा। नोट करो अच्छे से बेटा, हम आगे बढ़ते जाएंगे और प्रॉब्लम्स करते जाएंगे। ओके, देखो बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, y की पावर 1 अपॉन m प्लस y की पावर माइनस 1 अपॉन m इक्वल टू 2x। यू नीड टू प्रूव दिस रिलेशन, x स्क्वायर माइनस 1 y 3 थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक है, बाकी आप देखो ये चीज़ क्या है। ठीक है, अभी यहाँ से कैसे बन के आया ये हमारे सामने फिलहाल क्या है, इम्प्लिसिट इक्वेशन है। हम चाहें तो इसको एक्सप्लिसिटली भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से मेरे को नज़र आ रहा है कि वाई की पावर 1 बाई एम को मैं कुछ टी पुट करूँगा तो ये 1 बाई टी, तो वाई निकल के आ जाएगा। या फिर इम्प्लिसिटली भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो भी हो जाएगा। सो दोनों मेथड फॉलो कर सकते हैं, फिलहाल के लिए मैं इसको इम्प्लिसिटली करता हूँ, डायरेक्टली करके देखते हैं कि हम कहाँ पर पहुँचते हैं। बाकी फोर्थ एग्जाम्पल है, पिछले तीन एग्जाम्पल में हमने कुछ लर्न तो करा ही है कि किसको किधर शिफ्ट करें तो हमें कहाँ पे कैसे आसानी होगी, तो उन चीज़ों का भी ध्यान में रखना है। ठीक है, और जो रिलेशन है वो हमारी आंखों के सामने है, हमें क्या प्रूव करना है उस चीज़ का भी ध्यान में हम लेके चलेंगे। ठीक है, सो डायरेक्टली अगर मैं करता हूँ अब यहाँ पे, तो मेरे को मिलता है वाई की पावर, ये आ जाएगा एक तो वन अपॉन एम, वाई की पावर वन अपॉन एम माइनस वन, ठीक है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहां पे आ जाएगा माइनस का वन अपॉन एम वाई की पावर माइनस वन अपॉन एम माइनस वन, अगेन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये हो गया टू। ठीक है, यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, एक तो ये वन अपॉन एम कॉमन आ रहा है, एक ये वाई वन कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ से कॉमन लेने की बात करें तो वाई की पावर वन अपॉन एम माइनस वन, माइनस वन अपॉन एम माइनस वन, तो वाई की पावर माइनस वन यानी कि वन अपॉन वाई जो है वो भी कॉमन ले लें। तो यहाँ से मेरे को ये चीज़ नज़र आ रही है, ये वाई वन अपॉन वाई, और जो बच गया वो बच गया y की पावर 1 बाय एम और माइनस y की पावर माइनस 1 बाय एम। सही है, राइट हैंड साइड पे आपका 2। अब ऐसा करने पे मेरे को कुछ तो नजर आ रहा, एक तो ये एक्सप्रेशन जो है और दूसरा ये जो चीज है। ठीक है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, 2x है। देखो ये a प्लस बी है तो ये a माइनस बी है और दोनों का प्रोडक्ट 1 है, देख रहे हो y की बार 1 बाय m इंटू वाई की बार माइनस 1, दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अगर मैं सोचूं तो जब a इंटू बी 1 है तो ये आइडेंटिटी लगती है अपनी कौन सी, दैट इज y की पार 1 बाय m, या फिर कह लो कि अगर मैं इसको स्क्वेयरिंग करता हूँ y की पार माइनस 1 बाय m स्क्वेयर करता हूँ और राइट हैंड साइड पे 2x का स्क्वेयर, ध्यान से देखना, ये बन जाएगा y की पावर 2 अपॉन m प्लस y की पावर माइनस 2 अपॉन m प्लस 2 इक्वल्स टू 4x स्क्वेयर
इसमें माइनस फोर कर दो, दोनों साइड माइनस फोर कर दो, ठीक है। देखो ये प्लस का टू माइनस का फोर, इधर बचेगा माइनस का टू, क्या बचा माइनस का टू। अब ये चीज क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये बन गया आपका y की पार 1 अपॉन m माइनस y की पार माइनस 1 अपॉन m का होल स्क्वायर, एम आई राइट। तो ये है 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, सही है। मतलब इसकी वैल्यू मेरे को मिल रही है x के टर्म में, तो बस इसकी वैल्यू हम x के टर्म में रखते हैं, ठीक है। सो बाकी जो बची हुई चीजें हैं उसको उधर ले जाओ, ये m इंटू वाई को उधर ले जाते हैं और स्क्वायरिंग कर देते हैं। सो ये बन जाएगा y1 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली रख लूं कितनी, 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट हैंड साइड पे ये 2 का स्क्वायर 4, ये कितना m स्क्वायर इंटू y स्क्वायर, ठीक है बेटा। इस स्टेप को दोबारा देख लेना, पहली चीज कि फर्स्ट डेरिवेटिव जब किया और ये कॉमन लेने के बाद ये चीज नजर आई, इसमें और इसमें मुझे सिमिलैरिटी नजर आई तो मैंने ये रिलेशन ड्राइव करा, वैसे सब कुछ नजर आ रहा था कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस फोर करूंगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस स्क्वायरिंग करके माइनस फोर किया, राइट हैंड साइड पर ये मिल गया, इसकी वैल्यू हमें मिल गई स्क्वायर की वैल्यू। वहां पर फिर हमने स्क्वायरिंग कर दी, इसके स्क्वायर की वैल्यू रख ली ये, और बाकी जो है वो स्क्वायर साथ में हो गया। ये स्टेप्स को एक बार दोबारा देख लेना रिपीट करके, ठीक है। अब यहां से एक तो मेरा 4 कट गया, मेरे पास है y1 का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर y स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। चलो हमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना, तो अभी दो बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलो पहले इसको करते हैं, तो ये कितना बनेगा, 2 y1 इंटू y2 इंटू x स्क्वायर माइनस 1 प्लस y1 का स्क्वायर इंटू टू एक्स, राइट हैंड साइड पे m स्क्वायर इंटू टू वाई इंटू वाई वन, सही है। देखो अभी भी मेरा बहुत सारी चीजें, टू वाई वन टू एक वाई वन टू एक वाई वन, ये कट गया, ठीक है। तो एक बार दोबारा डिफ्रेंशिएट करो, ये क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई टू का डेरिवेटिव वाई थ्री प्लस टू एक्स इंटू वाई टू, यहां पे देखो प्लस एक्स इंटू वाई टू प्लस वाई वन इंटू एक्स का डेरिवेटिव वन, राइट हैंड साइड पे एम स्क्वेयर, और ये बन गया आपका वाई वन, सही है, हो गया। आई थिंक यहां पे एक्स स्क्वेयर माइनस वन वाई थ्री, टू एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स वाई टू, और इसको इधर ले आओ या फिर इसको उधर ले जाओ तो ये बनेगा वन माइनस एम स्क्वेयर इंटू वाई वन, ठीक है, जो हमें प्रूव करना था, क्लियर। सो क्वेश्चन लेंथी था, ये मैंने यहां पर साइड में कर लिया, बाकी कुछ स्टेप्स को मैंने डायरेक्टली करा है, आप देखो ध्यान से, ठीक है। ऑल ओवर मैं कहूँगा अच्छा क्वेश्चन है, हमने इसको इम्प्लिसिटली करा, और जब करने गए तो यहाँ पे कुछ रिलेशन को देख के हमने ये चीज़ यहाँ पे निकाल के यूज़ करी। देन उसके आगे तो सिंपल था, सेकंड डेरिवेटिव करा कट गया, थर्ड डेरिवेटिव करा हमें रिजल्ट मिल गया आसानी से, ठीक है। इसको जैसे कि मैंने बात करी एक्सप्लिसिटली भी कर सकते थे, आप खुद से एक बार ट्राई करना यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल के, फिर हम दोबारा एक बार देखेंगे। ओके बेटा, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है। ये जो रिजल्ट है वो इट्सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस फिलहाल मैं यहां पे डिराइव करता हूं, इसको मैं लिंक करूंगा कहीं और, इसको कुछ और नजरिए से। फिलहाल के लिए हमारे पास जो प्रूफ करने को है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ dy वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। बेसिकली अभी सिचुएशन वही है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, हमें रिवर्स में या फिर इनवर्स को डिफ्रेंशिएट करना है, डी एक्स डी वाई चाहिए देन सेकेंड ऑर्डर तक, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, ठीक है।
और dy बाई डी एक्स या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स की टर्म में। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहला तो ये, अगर मैं बात करूं dx अपॉन dy की, तो ये और कुछ नहीं है, 1 अपॉन dy बाई डी एक्स है, सही है, dy बाई डी एक्स उल्टा कर दिया, सो dx बाई डी वाई, क्लियर। तो वही चीज है, अब यहीं से शुरुआत करते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहां पे ये मेरा एक्सप्रेशन है, ये ऑलरेडी dx बाई डी वाई फर्स्ट डेरिवेटिव तो मिलेगा x का विद रिस्पेक्ट टू y, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करूंगा किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू y, याद रखना आप, इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करूंगा तो यहां पे पहुंचूंगा। सो हम क्या करने वाले हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। तो ऐसा करने पे यहां पे मेरे को मिलेगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, ये तो जो चाहिए था। बट यहां पे एक बार देखो कि ये मान लो एफ एक्स एफ डैश एक्स है, बेसिकली अगर y एज ए फंक्शन ऑफ x है तो ये एफ डैश एक्स है, तो ये रेसिप्रोकल में रखा हुआ है, पहले तो ये रेसिप्रोकल वाला डिफरेंशिएट होगा, यानी कि 1 अपॉन a कोई अगर gx है तो 1 अपॉन gx का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन gx का स्क्वायर, gx यानी पे यहां पे मैं बात कर रहा हूं dy बाई dx का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो ये साथ में देख लो, y मान लो फंक्शन ऑफ x था, ठीक है, जब dy बाई dx करा तो ये बेसिकली f डैश x हो गया, मान लेते हैं ये f डैश x क्या है, gx है, क्या है, gx है। अब मेरे पास क्या है, 1 अपॉन gx, 1 अपॉन gx को पहले डिफ्रेंशिएट करो, हालांकि मैं कर क्या रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूं, पहले चेन रूल के अकॉर्डिंगली 1 अपॉन gx डिफ्रेंशिएट होगा माइनस 1 अपॉन gx का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, हम विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यहां पे क्या जी एक्स, जी एक्स यानी कि डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स, फिलहाल के लिए इसको मैं जी एक्स लिख लूं, जी एक्स को मैं कुछ यू मान लूं, कुछ भी फंक्शन एक्स का यू मान दे, तो सिंप्लीफाई ये समझने के लिए, एक तो ये माइनस वन अपॉन ये क्या है, ये dy वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी यू बाय डी वाई, क्या है, डी यू बाय डी वाई। ठीक है, अब यहां पे कुछ नहीं करना, ऊपर नीचे dx से डिवाइड दे दो, कर सकते हैं, हमने पहले भी करा ऐसा, ऊपर नीचे dx से डिवाइड कर देंगे। तो ये देखो, पहले तो ये dy बाय dx बन गया, ये ऑलरेडी यहां पे दो है तो एक और मिलके क्या बन गया, q बन गया, तो यहां पे बन गया माइनस 1 अपॉन dy बाय dx का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय डी यू बाय डी एक्स को देखो, क्या डी यू बाय डी एक्स, यू क्या बेटा, ये चीज है, सो डी यू बाय डी एक्स मतलब कि यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, डबल डेरिवेटिव है कि नहीं, देखो यहां पे आप देखो तो डी यू बाय डी एक्स सेम चीज, यहां पे देखो तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो डी यू बाई डी एक्स और कुछ नहीं है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां पे एक साथ में क्या आ गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था, ये ऊपर रखा हुआ, सही है, देख लो बेटा, कोई स्टेप ना समझ में आया हो रिपीट कर लो, अच्छे से समझो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है,
डी वाई बाई डी एक्स अगर दे रखा है तो डी एक्स बाई डी वाई कितना, आईआईटी में क्वेश्चन आया था, फिर जेई मेंस में आया, फिर जेई मेंस में दोबारा आया, तो मतलब दो बार तो रिपीट हो चुका है मेंस में, एक बार आईआईटी में पहले पूछा गया था, और भी एक जगह इसका बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट यूज है, मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। फिलहाल के लिए इस रिजल्ट को देखो, और वैसे भी ये आपको बोर्ड एग्जाम में भी प्रूव करने को आ सकता है, ठीक है। सो ना समझ में आया हो तो रिपीट करके देख लेना, बट अच्छे से इसको समझ लेना मैंने क्या किया, ठीक है। चलो आई होप कि आपने सारी जो एग्जाम्पल्स हैं फॉलो करी। फिलहाल तक मैं सिर्फ जेई तक भी नहीं कह सकता, हाँ जेई मेंस तक का तो कह ही सकते, ये लास्ट जो प्रॉब्लम है जेई मेंस में आ चुकी है, उससे पहले हमने सीबीएसई लेवल की प्रॉब्लम्स करी हैं, ठीक है। अभी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स करनी बाकी हैं, सो वेट, थोड़ा सा पेशेंस रखो। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स अभी धीरे धीरे और इंटरेस्टिंग होगा।